वेलकम टू रिजवानास कुकिंग। और आज मैं एक बहुत मशहूर डिश बनाने जा रही हूँ, बघारे बैगन। क्योंकि ये बहुत स्पेशल डिश है तो मैं इसको बनाऊंगी भी बहुत स्पेशल तरीके से। तो इसके लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो देख लेते हैं। अब कुछ मसालों को और प्याज को हम तवे पे या फ्राइंग पैन में भूनकर तैयार कर लेंगे। सेसमी सीड्स या तेल, इसे भून लेंगे। जस्ट लाइटली टोस्ट करना है। क्यूमिन सीड्स या जीरा, इसको भून लें, लाइटली टोस्ट करना है इसे। कोरिएंडर सीड्स या साबुत धनिया, इसको भी भून लें। पॉपी सीड्स या खशखश, इसको भी भून लें। कोकोनट या खोपरा पिसा हुआ। स्मॉल होल रेड चिली, साबुत लाल मिर्च, वन टीस्पून ऑयल और उसके साथ फिर हम ये प्याज भी भून लेंगे। ट्रेडिशनली इस रेसिपी में पीनट्स यूज की जाती हैं, मगर मैं अपनी इस रेसिपी में यूज कर रही हूँ टोस्टेड चंकी पीनट बटर। इससे बहुत जबरदस्त सा फ्लेवर आता है। जो मसाले हमने टोस्ट किए थे उन सब मसालों को प्याज के साथ और पीनट बटर के साथ ग्राइंड कर लेंगे और उसका मसाला तैयार कर लेंगे। बैंगन को अब चाक लगा लेंगे या बैंगन को क्रॉस में काट लें इस तरह। इस तरह इसको चार पीसों में इस तरह काट लें, सारे बैंगन को इसी तरह काट लें। अब इन बैंगन को 4 to 6 टेबलस्पून ऑयल डालकर गर्म करें और फिर इसमें फ्राई करेंगे हमने, और इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे फ्राई करते हुए। इसको कवर कर लें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे स्ट्राइक करते रहें। हमें मुकम्मल इनको गलाना नहीं है, बस इनको हल्का सा फ्राई करना है। अब ये फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। अब हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। ऑयल गरम हो चुका है और इसमें से ऑयल हमने निकाल भी लिया है बघार के लिए। तो अब ये सिर्फ 4 टेबलस्पून ऑयल है। इस ऑयल में मैं डालूंगी राई, मस्टर्ड सीड्स, मेथी दाना और इनको क्रैकल करेंगे, कड़कड़ाएंगे। जैसे ही ये कड़कड़ाए फौरन ही आप इसमें अदरक लहसुन जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दें। जब अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी भुनने की स्मेल आने लगे तो फौरन ही हम ऐड कर देंगे ये बनाया हुआ मसाला। जबरदस्त सी स्मेल है, बहुत जबरदस्त अरोमा है इस मसाले में। इसमें हल्दी या टर्मरिक पाउडर डाल दें, रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, टमाटो पेस्ट, ये भी इसमें डाल दें और इसको आप भूनेंगे बहुत अच्छी तरह के ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। तकरीबन 10 मिनट्स लगे हैं इस मसाले को भुनने के लिए। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर दें और इसे एक दफ़ा अच्छी तरह चला दें। अब इसमें फ्राइड एग प्लांट ऐड कर दें, आधा कप के करीब पानी ऐड कर दें
अगर ज़रूरत पड़ी तो और ऐड कर देंगे। अब इसको मीडियम लो हीट पर कवर करके पकाएं, यहाँ तक कि बैंगन बिल्कुल कम्प्लीटली गल जाएं। इसे हल्की आंच पे पकने दें। बैंगन को गलने में तकरीबन हाफ एन आवर लगा है, तो अब हम देख लेते हैं। तो अब बैंगन बिल्कुल 100% गल चुके हैं। अब इसमें हम इमली का पानी डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। तो मैं इसमें इमली का पानी डाल रही हूँ, जो मैंने इमली के पेस्ट को खोल के रखा हुआ था, और इसमें हरी मिर्चें भी डालते हैं और इसको फिर से पकने दें ताकि इमली का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बघारे बैंगन अब तैयार हो चुके हैं, चूल्हा बंद कर दें। क्योंकि ये स्पेशल बघारे बैंगन है तो अब हम इसमें बघार भी लगाएंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल ले लें बघार के लिए। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ज़ीरा ऐड कर दें। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगे, थोड़ा सा भुन जाए, तो इसमें ये रेड चिलीज, कड़ी पत्ता। अब चूल्हा बंद कर दें और इसमें एक चुटकी हींग की डाल दें और इस पे बघार लगा दें। ये हमारा स्पेशल सा बघारे बैंगन तैयार है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। मजेदार बघारे बैंगन, आप इसे बिरयानी के साथ सर्व करें, रोटियों के साथ सर्व करें या बॉइल्ड राइस के साथ, और मजे के लगते हैं। और बनाकर फ्रिज में रखें, एज ए अचार या चटनी के तौर पे यूज करें और इंजॉय करें। मेरी इस रेसिपी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल रेसिपी में नहीं होती, तो आप मेरी इस रेसिपी को इसी तरह बना के देखें और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे अपनी फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिज़वानास कुकिंग। बाय फॉर नाउ।